हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड अभिषेक वर्मा और आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में बेसिक कैलकुलेशंस कैसे करें। आज मैं आपके लिए एक डेटा सेट तैयार करके आया हूँ। ये है कुछ फेमस इंडियन होटल्स की डमी गेस्ट लिस्ट। इस डेटा सेट में होटल्स के नाम हैं, नंबर ऑफ गेस्ट्स हैं, कैटेगरी ऑफ दोज गेस्ट्स हैं, चेक इन चेकआउट डेट्स हैं एंड डेली प्राइस ऑफ होटल्स हैं। डेटा देख कर आप समझ चुके होंगे कि आज हम येलो सेल्स को टारगेट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस फाइल को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। हमारे डेटा सेट के बाहर बहुत सारी लाइंस हैं जो सेल्स और कॉलम्स दिखाती हैं। वी हैव एन ऑप्शन टू रिमूव दोज लाइंस। इसके लिए क्लिक ऑन व्यू रिबन एंड ग्रिड लाइंस को अनचेक कर लीजिए। आपने नोटिस कर ही लिया होगा कि इस छोटे से ट्रिक से एक्सेल देखने में ज़्यादा साफ और विजुअली अपीलिंग लगता है। अब इस डेटा को और एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कितने रिकॉर्ड्स हैं। इसके लिए बिल्कुल फर्स्ट रिकॉर्ड में जाके शॉर्टकट यूज़ करें, कंट्रोल एंड डाउन एरो की। ये आपको इस रेंज के बिल्कुल एंड में ले जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि इस डेटा सेट में 200 रिकॉर्ड्स हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे अब हमारे हेडर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस छोटे से डेटा सेट में इस बात का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट मान लीजिए आपके पास 15, 20, 50 कॉलम्स हैं तो सारे हेडर्स को याद रखना बहुत मुश्किल है। तो इस चीज़ का एक सॉल्यूशन है फ्री स्पेस। बेसिकली हम चाहते हैं कि अगर हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करें तब भी कुछ रोज एंड कॉलम्स परमानेंटली विजिबल हों। सो लेट्स से हम इस फाइल में चाहते हैं कि हमारे ऊपर के टॉप 6 रोज परमानेंटली विजिबल हों एंड शुरू के 2 कॉलम्स परमानेंटली विजिबल हों। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो है ये। हम चाहते हैं 6 रोज फिक्स करना। इसका मतलब हम लिखेंगे 6+1 और हम चाहते हैं 2 कॉलम्स फिक्स करना तो हम लिखेंगे 2+1। अब ये 7 और 3 क्या है? तो ये है उस सेल का एड्रेस जहाँ पर हमें जाकर फ्री स्पेस रखना है। तो हम जाएंगे 7th रो में एंड 3rd कॉलम जो कि होगा कॉलम सी। अब यहाँ पे हमारे पास फिर से व्यू रिबन में एक ऑप्शन है फ्री स्पेस। उसके अंदर पहला ऑप्शन फ्री स्पेस क्लिक करना है और आप देखेंगे कुछ लाइन्स यहाँ पे अपीयर हो गई। इसका मतलब है कि फ्री स्पेस अप्लाई हो चुका है। अब आप इसे वर्टिकली स्क्रॉल करेंगे या आप हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके 6 रोज और 2 कॉलम्स हमेशा ही विजिबल हैं। पहले इसको डिलीट कर देते हैं और फिर चलते हैं अपने कैलकुलेशंस की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड टोटल नंबर ऑफ गेस्ट्स। गेस्ट्स के नंबर हैं कॉलम सी में फॉर एडल्ट्स एंड कॉलम डी में फॉर चिल्ड्रन। दिस मीन्स हमें कॉलम सी एंड डी के नंबर्स ऐड करने हैं एंड फार्मूला अवेलेबल है सम। सो इसके लिए हम टाइप करेंगे इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट की जगह आप टैब भी यूज़ कर सकते हैं और ब्रैकेट अपने आप आ जाएगा। अब आपको देना है वो रेंज जहाँ पर आपके नंबर्स हैं। ये स्टार्ट होता है C7 से। मूवमेंट के लिए शॉर्टकट हमने यूज़ किया था Ctrl+Down arrow की। सिलेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे Ctrl+Shift+Down arrow की। इससे पूरा कॉलम एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। नाउ सिंपली क्लिक ऑन Shift+Right arrow की एंड एक एक्स्ट्रा कॉलम भी सेलेक्ट हो जाएगा। क्लोज ब्रैकेट्स, एंटर एंड हमने सक्सेसफुली टोटल नंबर ऑफ गेस्ट्स काउंट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम डेली प्राइस जो कि है कॉलम आई में। इसके लिए फार्मूला अवेलेबल है मिन। सो हम करेंगे इक्वल टू MIN और हम जाएंगे I7 में जहाँ से डेटा हमारा स्टार्ट होता है। Ctrl+Shift+Down ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सो हम देख रहे हैं कि मिनिमम डेली प्राइस है 7,500। मैक्सिमम के लिए शायद आपने गेस कर लिया होगा, फार्मूला रहेगा इक्वल टू MAX और मैक्स। ब्रैकेट ओपन, अगेन सेम कॉलम I7, Ctrl+Shift+Down ब्रैकेट क्लोज एंड मैक्सिमम डेली प्राइस है 1,08,750। अब हमें निकालना है एवरेज गेस्ट्स फॉर एडल्ट्स। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा इक्वल टू एवरेज, लेकिन इस बार हम करेंगे केवल इक्वल टू AV। और आप ध्यान से देख सकते हैं कि केवल AV लिखने से हमारे पास 5 फॉर्मूले आ गए। हम एवरेज में जाके टैब दबा सकते हैं और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अगेन वी विल गो टू सेल C7
कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड ब्रैकेट क्लोज। तो आप देख सकते हैं कि एवरेज गैस एडल्ट्स की काउंट थी 4। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेज ऑफ स्टे निकालना। सो वो हमें निकालना है कॉलम एच में। सो डेज ऑफ स्टे का लॉजिक होगा सिंपल, चेकआउट डेट माइनस चेक इन डेट। एक्सेल डेट्स को एज ए नंबर यूज़ करते हैं, तो अगर आपके पास डेट के साथ आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स भी हैं तो उस हिसाब से आउटपुट डेसिमल में आ सकता है। यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए हमने केवल डेट्स लिए हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइम यहाँ पे है मिडनाइट। हम करेंगे यहाँ पे इक्वल टू G7 जो है चेकआउट डेट माइनस F7 जो है चेक इन डेट एंड एंटर। 15 जुलाई प्लस 6 डेज इज 21 जुलाई। इसका मतलब है कि फॉर्मूला हमारा सही है। अब हम इसको करते हैं कॉपी, और जो हमने सीखा था कंट्रोल शिफ्ट डाउन वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेंज नहीं है जिससे कि हमारा सिलेक्शन या रेंज रुक जाए। इसका ट्रिक ये है कि हम वहाँ पे मूवमेंट करेंगे जहाँ पे हमारे पास डेटा है, जो कि है कॉलम जी में। यहाँ पे हम जाएंगे कंट्रोल डाउन, आ गए हम लास्ट रो में। अब हम अपने कॉलम एच में आके कंट्रोल शिफ्ट अप कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं एंटर। तो आप देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला तो सही था इसलिए डेटा आ गया, लेकिन फॉर्मेटिंग ख़राब हो गई। सो करते हैं अंडू कंट्रोल जेड, और सिंपली पेस्ट की जगह हम करेंगे पेस्ट एज फार्मूला ओनली, ताकि हमारा जो फॉर्मेटिंग है वो वैसा का वैसा रहे। सो राइट क्लिक पेस्ट एज फार्मूले। तो आप देख रहे हैं कि हमारा डेटा भी आ गया और फार्मूला भी सही है और फॉर्मेटिंग भी ख़राब नहीं हुई। फाइनल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के लिए टू कैलकुलेट टोटल बिल। सो टोटल बिल विल सिंपली बी डेली प्राइस मल्टीप्लाइड बाई डेज ऑफ स्टे। सो हम करेंगे इक्वल टू I7 मल्टीप्लाई बाय H7, एंड जो ट्रिक हमने कॉलम H में यूज़ करी सेम हम यहाँ कॉलम J में यूज़ करेंगे। इसको कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन करने की बजाय हम इस कॉलम में आके डाउन एरो करेंगे, एंड लास्ट रो से ऊपर जाके राइट क्लिक पेस्ट एज फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल बिल आ गया, डेज ऑफ स्टे आ गया, फॉर्मेटिंग भी नहीं खराब हुई। दिस इज इट फॉर दिस सेशन। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा रिलेशन बना रहे। अभिषेक वर्मा साइनिंग ऑफ।